इन्होंने अली से कहा है कि इनको जो है वो फ्रॉक पकड़ के दे, नहीं आएगा हाथ में अली, वो नहीं पकड़ ले भली, लेकिन वो हाथ में कहाँ आएगा, प्यार करिस नहीं प्यार, वो प्यार ही करने आ रही है बस। ने इसको शॉर्टकट दे दिया, करीब जब स्टार्ट हुआ होगा तब से इसमें अस्सलामुअलैकुम, एक और न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस टाइम जो है वो तकरीबन मगरिब का टाइम है और 7 बज रहे हैं, और जो वेदर है वो काफ़ी कोई बेहतरीन है सलाला का, और जितने भी पहाड़ हैं वो इस वेदर की वजह से, क्योंकि बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो एक और डेस्टिनेशन हमने जो है वो ढूंढी है और हम उसी जगह पर जा रहे हैं। कोई रास्ता इतना कोई ज़बरदस्त है, तो पूरी हमारी कोशिश है कि रात होने से पहले पहले हम वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि चारों तरफ होंगे पहाड़ और बीच में जो है इन लोगों ने एक सिटिंग एरिया बनाया है जहाँ पे आप लोग बारबेक्यू कर सकते हैं। और देखिए बैलें और बकरियाँ और ऊँट, तो जनाब उनके लिए तो जैसे मौसम की वजह से जो ग्रीनरी हो गई है तो खाने में भी जो है वो इजाफ़ा हो गया है, और इतनी सारी बैलें और इतने सारे ऊँट वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ लोगों के आराम के लिए जो मेन चीज़ है वॉशरूम्स, तो तकरीबन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इन लोगों ने जो है वो केबिन वॉशरूम्स भी बनाए हुए हैं, ताकि जो आने वाले लोग हैं जो घूमने आए हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जनाब हम मोस्टली बहुत करीब हैं वहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके जनाब हम करेंगे बहुत सारा इंजॉय और बहुत सारी जो है, मैंने कुछ वीडियो कैप्चर किए हैं जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो अंधेरा तकरीबन होने वाला है और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जो है वो तमाम जो है वो जल चुकी हैं, और जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि छोटे छोटे से इन लोगों ने इन पहाड़ी इलाकों में जो है वो सिटिंग बनाई है, और वहीं पे आप लोग बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। तो जनाब वहाँ हम पहुँच चुके हैं और तकरीबन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही जो है वो शेड लगे हुए हैं ताकि लोग ईज़िली बैठ सकें और इस वेदर को और इस सीनरी को इन्जॉय कर सकें। तो जनाब हम यहाँ पर अब पहुँचे हैं, और जगह कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रात हो चुकी है, लेकिन इस टाइम ठंड काफ़ी हो रही है। तो यहाँ मैंने मरियम ने जो है वो काफ़ी ख़ुद को जो है वो गीला कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो मरियम के कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन कपड़े जब उसके चेंज किए हैं तो थोड़ा सा वो रो रही हैं, मूड अच्छा नहीं है, शायद उसको नींद वगैरह आ रही है इसलिए है। तो बस ये हम यहाँ पर जो है उसको मैं थोड़ा सा जो है वो चुप भी करा रही हूँ। ये जो सामने पहाड़ है ये पूरे ग्रीन है, लेकिन फुल फोग है इस यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत से जो है वो इन लोगों ने हर टाइप जो है वो बनाए हुए हैं। यहाँ पे सेटिंग भी है, यहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हर चीज़ जो है वो मेंटेनेंस से बनी हुई है। वॉशरूम्स भी बिल्कुल जो है वो हैं आपके पास, केबिन वाले वॉशरूम, और ताकि जो, और हल्की हल्की सी देखिए फवार पड़ रही है, और बिल्कुल लाइट, इतनी लाइट बारिश है कि आपको फील ही नहीं हो रहा कि ये बूंदाबांदी भी है। तो बहुत ही प्यारी सी ये प्लेस है, और आ जाए फातिमा अली, अली अभी भी अगर थोड़ी सी रोशनी हो तो ये और खूबसूरत लगे, हाँ उसके बाद फिर ऐसा अंधेरा हो जाए, उसमें ये होगा तो कि जो ग्रीन पहाड़ हैं वो पूरे नज़र आएंगे। अंधेरे की वजह से वाकई कुछ नज़र नहीं आ रहा। फातिमा को यहाँ पे फ्रॉग नज़र आ गया, ये बैठा हुआ है पत्थर पे। जी तो यहाँ ये सब बैठे हुए हैं और शेड जो है वो लगा हुआ है, और ये देखिए लाइट से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हल्की हल्की सी हो रही है फुहार, और बिल्कुल आपको फील ही नहीं हो रहा कि ये बूंदाबांदी हो रही है, इतनी लाइट है। और जो मरियम और फातिमा है उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम मिल गया है, और यहाँ जो है वो
फातिमा लिखी भाई हले अभी गोली ने मरियम की फ्रॉक जो है वो इन बड़े पत्थरों में जो है वो जाके छुप गई है और यहाँ पे बहुत सारी फ्रॉग्स हैं। आ जाओ मरियम आ जाओ आ जाओ फ्रॉग्स आ जाओ गोली ने आ जाओ ओए 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 जल्दी आओ जल्दी आ जाओ आ मरियम ओया बिल्कुल फातिमा तुम लोगों ने वो देखो टच करती है बाकायदा नहीं 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 अली छोड़े फातिमा मारना नहीं इन्होंने अली से कहा है कि इनको जो है वो फ्रॉक पकड़ के दे नहीं आएगा हाथ में अली वो नहीं पकड़ ले भली लेकिन वो हाथ में कहाँ आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा हाथ में ये सीधा तो करें ना सीधा करें अली इनको दिखाएं हाथ लगाई हाथ लगाई हाथ क्या अंगे हाथ लगाई हाथ हाथ लगाई प्यार करिस नहीं प्यार वो प्यार ही करने आ रही है बस दिखाएं रॉक फ्रॉग मुझे लग रहा है फ्रॉग की और अली की हो गई है दोस्ती हाँ अली रात तो लगा के देखना वीडियो ये एक और एक्सपेरिमेंट फ्रॉक के साथ बच्चों ने और बड़ों ने भी खूब इंजॉय किया और जिस शेड पे हम बैठे हुए थे उसके एक पोल पे जो है हमने बड़ा ही छोटा सा जो है वो एक स्नेल भी देखा और हार्ड एली बिल्कुल स्लोली स्लोली चलता है हार्ड हार्ड मैं डरती आपको पता नहीं अच्छा चलो हाँ पत्थर की तरह ये देखेगी मैं नहीं डरती नहीं निकल रहा कहाँ से नहीं निकल रहा ये मैं तो सबसे ये चिपका हुआ है हाँ ना निकाल अरे वाह दिखाएं अली मार्टेज क्या मार्टेज करी डिसा अली अपने आप को अंदर कर लेगा है ना नहीं नहीं वो नहीं है ये कछुआ थोड़ी है ओ नाइस अरे कटन तो करा चाय चाय इन जो हाउस है जो इनमें रहन दो इन जो टम्मी है हां मां चिमड़ाएंगे वापस थोड़ा सा ऊपर बेचारा इतनी मेहनत से जो ना मैं उठाया है तो थोड़ा ऐसे अली सुबह तक यहाँ पहुँचता अली ने इसको शॉर्टकट दे दिया करीब जब स्टार्ट हुआ होगा तब से वो चढ़ते चढ़ते करीब ही खत्म हो जाए मेरे बड़े वापस जा भाई करीब ही गलत हो गया जी तो जनाब हो गई है फुल रात और देखिए कितनी फोग है और इतनी सारी जो है वो यहाँ पे जो है बारबेक्यू के लिए अंगीठियाँ बिल्कुल बनी हुई हैं पूरी प्लेस से आप यहाँ पे आराम से बारबेक्यू कर सकते हैं और अब देखें हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे फ़िलहाल तो ये जगह हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगी है पर कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी जगहें यहाँ पे मौजूद हैं तो ये प्लेस अभी हमने कवरेज कर ली है और देख ली है और इंशाल्लाह अब नई लोकेशन पे जहाँ भी जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को
वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।